दोस्तों अगर आप भी पिलान ए पिलान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिलान ए पिलान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 30 सितंबर 2022 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी पिलान ए पिलान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों दोस्त, शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुषा कपिला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो विदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे, नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से 4.6 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों 44 परसेंट तक लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो रहा के इर्द गिर्द घूमती है जो एक है मैच मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कोस्तुब चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निदक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा आज के इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पिलान ए पिलान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिलान ए पिलान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी तीस सितंबर 2022 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी प्लान ए प्लान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्त अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन ने मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुफा कपीला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो विदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे, नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चवालीस परसेंट तक ही लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो राह के इर्द गिर्द घूमती है जो एक है मैच मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कौस्तुभ चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निदक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर, कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी प्लान ए प्लान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लान ए प्लान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 30 सितंबर 2022 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी प्लान ए प्लान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुषा कपीला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो विदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे, नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चवालीस परसेंट तक ही लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिवस की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो इर्द गिर्द घूमती है जो एक है मैच मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कोस्तुब चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत हैं लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निदक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पिलान ए पिलान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिलान ए पिलान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 30 सितंबर 2022 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी पिलान ए पिलान बी जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुशा कपिला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो बिदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से में से 4.6 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चवालीस परसेंट तक लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो राग के इर्द गिर्द घूमती है जो एक मैच मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कौस्तुभ चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निधक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नहीं और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी प्लान ए प्लान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लान ए प्लान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 30 सितंबर 2022 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी पिलान ए पिलान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों दोस्त, शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुषा कपीला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो बिदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे, नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से में से 4.6 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चवालीस परसेंट तक लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो के इर्द गिर्द घूमती है जो एक है मैच मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कौस्तुभ चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निदक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पिलान ए पिलान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लान ए पिलान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी तीस सितंबर दो हज़ार बाईस में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी पिलान ए पिलान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुशा कपिला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो विदिता बाग बदरूल इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे, नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से में से 4.6 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चवालीस परसेंट तक लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो इर्द गिर्द घूमती है जो एक है मैच मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कोस्तुब चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निदक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पिलान ए पिलान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिलान ए पिलान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 30 सितंबर 2022 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी पिलान ए पिलान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों दोस्त, शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुशा कपीला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो विदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चवालीस परसेंट तक ही लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस, इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो के इर्द गिर्द घूमती है जो एक है। मैच मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कौस्तुभ चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निदक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पिलान ए पिलान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लान ए प्लान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 30 सितंबर 2022 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी पिलान ए पिलान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों दोस्त, शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुषा कपिला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो विदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे, नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से 4.6 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चवालीस परसेंट तक ही लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो रहा के इर्द गिर्द घूमती है जो एक है मैच मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कोस्तुब चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निदक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पिलान ए पिलान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिलान ए पिलान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी तीस सितंबर 2022 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी प्लान ए प्लान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों तो शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन ने मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुशा कपिला, तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो विदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे, नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चवालीस परसेंट तक ही लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो राग के इर्द गिर्द घूमती है जो एक मैचमेकर मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कौस्तुभ चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निधक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पिलान ए पिलान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिलान ए पिलान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 30 सितंबर 2022 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी प्लान ए प्लान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों तो शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुसा कपीला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेले हेली व्यासे पूनम ढिल्लो विदिता बाग बदरुल इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चवालीस परसेंट तक ही लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो इर्द गिर्द घूमती है जो एक है मैच मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कोस्तुभ चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निदक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पिलान ए पिलान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिलान ए पिलान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 30 सितंबर 2022 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी पिलान ए पिलान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों दोस्त, शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुशा कपिला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो बिदिता बाग बदर उस्लामे फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से में से 4.6 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चवालीस परसेंट तक लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो इर्द गिर्द घूमती है जो एक है मैच मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कौस्तुभ चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निधक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पिलान ए पिलान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिलान ए पिलान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी तीस सितंबर 2022 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी प्लान ए प्लान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुशा कपीला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो विदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे, नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से दस में से चार पॉइंट छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चवालीस परसेंट तक लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्त अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो के इर्द गिर्द घूमती है जो एक है मैच मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कौस्तुभ चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निदक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी प्लान ए प्लान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लान ए प्लान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी तीस सितंबर दो हज़ार बाईस में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी पिलान ए पिलान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुशा कपिला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो विदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे, नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से में से 4.6 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चवालीस परसेंट तक लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो इर्द गिर्द घूमती है जो एक है मैच मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कोस्तुब चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निदक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पिलान ए पिलान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिलान ए पिलान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 30 सितंबर 2022 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी पिलान ए पिलान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों दोस्त, शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुशा कपिला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो विदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से में से 4.6 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चम्बालीस परसेंट तक लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो इर्द गिर्द घूमती है जो एक है। मैच मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कौस्तुभ चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निदक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पिलान ए पिलान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिलान ए पिलान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 30 सितंबर 2022 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी प्लान ए प्लान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों तो शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन ने मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुशा कपीला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो बिदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे, नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से 4.6 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों 44 परसेंट तक लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो रहा के इर्द गिर्द घूमती है जो एक है मैच मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कोस्तुब चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निदक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी प्लान ए प्लान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लान ए प्लान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 30 सितंबर 2022 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी पिलान ए पिलान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुषा कपिला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो विदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे, नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चवालीस परसेंट तक ही लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आप आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में ने नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो राग के इर्द गिर्द घूमती है जो एक मैचमेकर मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कौस्तुभ चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निधक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पिलान ए पिलान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिलान ए पिलान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 30 सितंबर 2022 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी प्लान ए प्लान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों दोस्त, शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुषा कपिला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो विदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे, नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चवालीस परसेंट तक ही लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो राह के इर्द गिर्द घूमती है जो एक है। मैच मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कौस्तुभ चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निदक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी प्लान ए प्लान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लान ए प्लान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 30 सितंबर 2022 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी प्लान ए प्लान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों दोस्त, शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुशा कपिला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो बिदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से में से 4.6 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चवालीस परसेंट तक लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में ने नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो इर्द गिर्द घूमती है जो एक है मैच मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कौस्तुभ चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निदक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नहीं और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी प्लान ए प्लान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लान ए प्लान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 30 सितंबर 2022 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी पिलान ए पिलान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुषा कपीला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो बिदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से दस में से चार पॉइंट छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चवालीस परसेंट तक लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो रहा के इर्द गिर्द घूमती है जो एक मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कौस्तुभ चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निदक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पिलान ए पिलान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लान ए पिलान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 30 सितंबर 2022 में रिलीज़ की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी प्लान ए प्लान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुसा कपीला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो विदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे, नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे नुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से दस में से चार पॉइंट छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चवालीस परसेंट तक लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो राग के इर्द गिर्द घूमती है जो एक मेच मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कोस्तुब चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निदक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर, कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पिलान ए पिलान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लान ए प्लान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फेक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 30 सितंबर 2022 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी प्लान ए प्लान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों दोस्त, शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुशा कपिला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो विदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे, नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से में से 4.6 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चवालीस परसेंट तक लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो के इर्द गिर्द घूमती है जो एक है मैच मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कोस्तुब चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निदक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पिलान ए पिलान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिलान ए पिलान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 30 सितंबर 2022 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी पिलान ए पिलान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों दोस्त, शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुषा कपीला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो विदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे, नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से 4.6 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों 44 परसेंट तक लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो राग के इर्द गिर्द घूमती है जो एक मैचमेकर मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कौस्तुभ चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निदक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पिलान ए पिलान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिलान ए पिलान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 30 सितंबर 2022 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी पिलान ए पिलान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुषा कपिला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो विदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे, नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चवालीस परसेंट तक ही लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो राह के इर्द गिर्द घूमती है जो एक है मैच मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कोस्तुब चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निधक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पिलान ए पिलान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिलान ए पिलान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी तीस सितम्बर दो में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी पिलान ए पिलान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों दोस्त, शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुषा कपिला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो विदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आई की तरफ से दस में से चार पॉइंट छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चवालीस परसेंट तक ही लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिवस की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इन्जॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो राह के इर्द गिर्द घूमती है जो एक है। मैच मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कौस्तुभ चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निदक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा आज के इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पिलान ए पिलान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिलान ए पिलान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी तीस सितंबर 2022 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी प्लान ए प्लान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्त अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों तो शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुषा कपीला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो विदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे, नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से में से 4.6 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चवालीस परसेंट तक लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजेक कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो इर्द गिर्द घूमती है जो एक है मैच मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कौस्तुभ चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निदक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पिलान ए पिलान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिलान ए पिलान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 30 सितंबर 2022 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी पिलान ए पिलान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुशा कपिला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो बिदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से दस में से चार पॉइंट छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चवालीस परसेंट तक लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी तो आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो इर्द गिर्द घूमती है जो एक है मैच मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कौस्तुभ चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निदक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पिलान ए पिलान बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लान ए पिलान बी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी, भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 30 सितंबर 2022 में रिलीज़ की गई कॉमेडी एंड रोमांस मूवी प्लान ए प्लान बी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों शशांक घोष जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रितेश देशमुख कुषा कपीला तमन्ना भाटिया दिलसाद पटेल हेली व्यास पूनम ढिल्लो बिदिता बाग बदर इस्लाम फरीदा पटेल वेंकटे गरिमा कोसले हर्षप्रीत कोरे, नेता मोहिंद्रा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से दस में से चार पॉइंट छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने इस मूवी को दोस्तों चवालीस परसेंट तक लाइक किया है हालांकि दोस्तों मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा खास नहीं रहा है लेकिन दोस्तों पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों एक घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको इस मूवी में काफ़ी हद तक कॉमेडी एंड रोमांस देखने को मिलने वाला है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कर लीजिएगा ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार जरूर बताइएगा कि मूवी आपको किस तरीके लगी तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों कहानी निराली वो इर्द गिर्द घूमती है जो एक है मैच मेकर है जो मानती है कि शादी उसके अलावा हर किसी के लिए आनंद है और कौस्तुभ चोंगुले एक सफल तलाक के वकील हैं वे एकदम विपरीत है लेकिन क्या उनके पास वो सब है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक होने के लिए चाहिए दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा रितेश देशमुख ने निदक किरदार कोष्टी को संतुलित लहजे में चित्रित करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम किया है यहाँ तक कि जब वे और उसका व्यवहार अजीब लगता है तब भी उसके और उसकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए समर्थन करना आसान है तमन्ना भाटिया ने निराली की वैधता और उग्रता को सफलतापूर्वक सामने लाया है तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी भी रिवील नहीं कर सकता ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और आपको ये मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप इस मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर, कर लीजिएगा आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत